लोकसभा चुनाव के परिणामों के बाद से राहुल गांधी की राजनीति बदली बदली हुई सी नजर आ रही है। दरअसल लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन से राहुल गांधी में गजब का आत्मविश्वास भर गया है। सड़क से लेकर संसद तक राहुल का अंदाज देखने लायक है। हर मुद्दे पर वो जहां सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं, वहीं आम जनता से मुलाकात करके उनका दुख दर्द भी बांट रहे हैं, फिर चाहे वो मणिपुर के पीड़ित हो या हाथरस के। राहुल गांधी अपने संसदीय क्षेत्र और कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली सीट पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। रायबरेली लोकसभा से सांसद चुने जाने के एक महीने में राहुल गांधी दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर भी पहुंचे हैं और उत्तर प्रदेश का उनका ये तीसरा दौरा है। रायबरेली में राहुल गांधी ने कार्यकर्ताओं के साथ न सिर्फ बैठकें की है बल्कि जिले के विकास की हकीकत जानने की कवायद करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह संसद से लेकर सड़क तक एक्टिव है और एक महीने में दूसरी बार अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं, उसके सियासी मायने भी अब निकाले जाने लगे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मिली जीत से कांग्रेस के हौसले बुलंद हो चुके हैं। एक दशक के बाद दिल्ली की सियासत में कांग्रेस की ताकत बढ़ी है तो उत्तर प्रदेश में 6 सीटों पर मिली जीत से दोबारा से उभरने की उम्मीद भी जगा दी है। कांग्रेस यूपी में 3.5 दशक से सत्ता का वनवास झेल रही है और 2019 में राहुल गांधी को अमेठी में हार का मुंह तक देखना पड़ा था, जिसके चलते 2024 के चुनाव में राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी की रायबरेली सीट को अपनी कर्मभूमि बनाया। वायनाड सीट को छोड़कर रायबरेली को अपने पास रखा है ताकि यूपी की सियासत में कांग्रेस को दोबारा से सियासी संजीवनी मिल सके। राहुल गांधी ने रायबरेली के जरिए यूपी को साधने पर रणनीति पर भी काम करना शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस यूपी में बहुत सालों बाद सत्ता का वनवास झेल रही है और साल 2014 में तो जबकि 2019 में केवल एक लोकसभा सीट कांग्रेस के खाते में गई थी। अब सपा के साथ गठबंधन और फिर मुस्लिम और दलित वोटर्स का कांग्रेस के पक्ष में रुझान दिखाई देने लगा है। उसके चलते ही कांग्रेस अपने 2027 के विधानसभा चुनाव में बड़ा अवसर भी तलाश रही है। ऐसे में राहुल गांधी ने अपनी सक्रियता को बनाए रखने के लिए रायबरेली को सियासी हथियार बनाने का दाव भी चल दिया है। जानकारों का कहना है कि राहुल गांधी अब अमेठी जैसी गलती रायबरेली क्षेत्र में नहीं दोहराना चाहते हैं। रायबरेली को वो किसी भी भरोसे पर नहीं छोड़ना चाहते हैं बल्कि खुद क्षेत्र का दौरा करके अपनी उपस्थिति को बनाए रखने की स्ट्रेटेजी बना रहे हैं। इसलिए राहुल गांधी एक महीने में दूसरी बार रायबरेली आए हैं। रायबरेली के बहाने राहुल गांधी यूपी पर फोकस कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस लंबे समय से सूबे में अपनी खोई जमीन तलाश रही है और 2024 के नतीजों ने उसे उम्मीद की किरण भी जगा दी है। राहुल गांधी में ये बड़ा बदलाव आया है। अभी तक वो सिर्फ विकास की बात करते थे लेकिन अपने पूर्वजों का अमेठी रायबरेली के साथ नाते किए गए कार्यों को बढ़ाने की बात करते रहे हैं। रायबरेली के साथ साथ अपनापन जताने का प्रयास भी वो कर रहे हैं। राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान और उसके बाद भी इसी पैटर्न पर रायबरेली में नजर आए हैं। इससे समझा जा सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली को परमानेंट सीट बनाए रखना चाहते हैं।